नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करेरा प्रशासन द्वारा आज सुबह 7 बजे ही नाबालिग दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चलवाकर आरोपी का मकान तोड़ डाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन से भाजपा के नेता राजकुमार खटिक एवं दिनारा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतीश फौजी प्रशासन पर आरोपी के घर बुलडोजर चलाने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन प्रशासन पहले आरोपी को कोर्ट में पेश कर फिर अगली भूमिका बना रही थी। लेकिन राजकुमार खटिक द्वारा कलेक्टर SP खरेरा SDM से भी बुलडोजर चलाने की बात कही, लेकिन रात्रि में प्रदेश संगठन मंत्री से राजकुमार खटिक ने बात की एवं पूरे मामले से अवगत कराया, जिससे संगठन मंत्री हितांत शर्मा के द्वारा कलेक्टर एवं SP से बुलडोजर चलाने का आदेश मंत्रालय से दिलवाया। आज बुलडोजर चलने से जनता के मन में उपजे आक्रोश में थोड़ी शांति हुई है, लेकिन अभी मामला शांत नहीं हुआ है। अब आर्थिक सहयोग के लिए कुशवा समाज एवं अन्य समाज एकत्रित होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।